मैं तो रक्षित हो गया लक्ष्मण, किंतु तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर पाएगा मेरे बाणों के प्रहार से। लक्ष्मण भैया। भ्राता लक्ष्मण को इस मायावी मेघनाथ ने आहत कर दिया है। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। निश्चिंत हो गया हूँ अपने, मेरे प्रिय मेघनाथ का कोई हित नहीं कर सकता। बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आहत भ्राता लक्ष्मण को कुछ समय के लिए विश्राम करने देता हूँ और तब तक इस मायावी दुष्ट मेघनाथ से निपटेगा हनुमान। मेरे बाण से लक्ष्मण तो आहत हो गया वानर, अब शीघ्र ही उसका अंत भी करूंगा मैं, और उसके पश्चात तुम्हारा और द्रोही काका का अंत करके यमलोक भेजूंगा मैं। विभीषण जी, आप लक्ष्मण भैया को संभालिए, इस राक्षस को मैं देखता हूं। अब तुम्हें मेरे गदा प्रहार से कोई नहीं बचा पाएगा मेघनाथ। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। वानर, तुम्हारी विकराल गदा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। गदा से तो बच गए तुम मेघनाथ, किंतु मेरे वज्र समान मुष्टिका प्रहार से नहीं बच पाओगे तुम। हे महादेव, अब और क्या शेष देखना बाकी है। अब आपका ही अंश हनुमान आपके महामृत्युंजय मंत्र से लड़ने जा रहा है। प्रभु, ऐसे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा। यदि शीघ्र ही आपने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। Ha 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 ha
तो चुबाना। हे प्रभु, आपके अंश रूप ने सृष्टि का विनाश होने से बचा लिया। कोई विशेष शक्ति मेघनाथ की रक्षा कर रही है और इसके बल में वृद्धि भी होती जा रही है। मेरे मुष्टि प्रहार को रोकना किसी भी मायावी शक्ति के वश में नहीं। अवश्य ही रावण ने किसी विशेष युक्ति से सुरक्षित किया हुआ है मेघनाथ को। हाँ हनुमान, दिव्यास्त्रों को इतनी सहजता से कैसे रोक सकता है मेघनाथ? मेघनाथ, तुम्हारी कोई भी राक्षसी शक्ति मेरे समक्ष कार्य नहीं करेगी। अच्छा, लोही काका विभीषण, इन दोनों ने तो प्रयास करके देख लिया, अब आप भी प्रयास करके देख लो। क्योंकि आप जैसे कुल द्रोही को अंत करने में मुझे अधिक आनंद आएगा। महादेव, आपका ही मृत्युंजय मंत्र एक अधर्मी का रक्षा कवच बना हुआ। अधर्म के पथ पर चलने वाले सदैव भ्रमित रहते हैं कि वे अपनी शक्ति से धर्म को झुका देंगे और ऐसा करते हुए अधर्मी को ज्ञात नहीं होता कि वे अपने विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है। धर्म कभी झुकता नहीं है। अंतिम विजय सदैव धर्म की ही होती है। अधर्मी का बढ़ता हुआ बल दीपक की उस ज्योति की भांति है जो बुझने से पूर्व अकस्मात ही तीव्रता से अवलोकित हो उठती है किंतु अगले ही क्षण बुझ जाती है। आप जाइए हनुमान, धर्म को अधर्म के समक्ष नतमस्तक होने से रोकने के लिए आवश्यक है ये। जाइए और शीघ्र ज्ञात कीजिए कि कौन सा रक्षा कवच मेघनाथ को रक्षित किए हुए है। जी महाराज। जय श्री राम। मेघनाथ के इस अदृश्य रक्षा कवच का तोड़ अवश्य लंका में मिलेगा। यहां तो कोई हलचल प्रतीत नहीं हो रही है, सब शांत दिखाई दे रहा है। महामृत्युंजय जाप की ध्वनि लंका के राजभवन से। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अपने पुत्र की रक्षा के लिए महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का सहारा ले रहा है दुष्ट रावण, तभी मैं उसकी सुरक्षा कवच को भेद नहीं पाया। ये नवग्रह रावण के कक्ष में। ये क्या, सभी नवग्रह यहां पर स्थिर दिखाई दे रहे हैं? ग्रह तो चलित अवस्था में होते हैं।
प्रणाम नवग्रहों। क्या हुआ, आप नवग्रहों मुझे आशीष क्यों नहीं दे रहे हैं? गुरुदेव, सूर्यदेव, आप सब क्यों हैं यहां? आप मुझे बताइए, कोई तो मुझे बताइए क्या है ये सब? देव गुरु बृहस्पति, आप तो परम पिता हैं हनुमान के, बताइए हनुमान को आप सब की ऐसी स्थिति क्यों है? गुरुदेव, सूर्यदेव, क्या हुआ यहाँ? कैसे हो गई आप सब की ऐसी दशा? शीघ्र ही कोई मुझे उत्तर दीजिए, क्योंकि वहां विभीषण जी एवं लक्ष्मण भैया मेघनाथ से युद्ध कर रहे हैं, किंतु मेघनाथ अब अपराजय हो गया है। रावण ने हमें यहाँ बंदी बनाकर रखा हो। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाने के लिए हम सभी ग्रहों को स्तंभित कर दिया है। आप क्या कह रहे हैं, कुछ सुन क्यों नहीं पा रहा हूं? हनुमान को हमारा स्वर सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? दुर्देव, रावण ने हमें जिस माया बंधन में बंदी बनाया है, उसके प्रभाव से हम सब मात्र एक दूसरे से ही बात कर सकते हैं या रावण से, अन्य कोई हमारा स्वर नहीं सुन सकता। हनुमान हमारी सहायता कर सकता है, किंतु हम हनुमान को कैसे बताएं कि रावण ने हमारे साथ क्या किया? यहां क्या हुआ है, कैसे ज्ञात करूं? यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो अजय मेघनाथ बहुत बड़ा अनिष्ट कर सकता है वहां। मेरा ये प्रहार आपको दंडित करेगा काका विभीषण। विभीषण जी, आज मेरा विजय दिवस है और तुम सबका मरण दिवस। उचित होता आप भी उस वानर के साथ यहां से पलायन कर जाते, कदाचित आपके प्राण तो बच जाते। मेघनाथ, हनुमान के यहां से जाने को तुम पलायन समझ रहे हो? वो शीघ्र ही तुम्हारी मृत्यु बनकर लौटेंगे। अच्छा, मृत्यु बनकर नहीं, वो अपने मृत्यु के समीप लौटेगा, किंतु उसके आने से पूर्व मैं आपको और उस तुच्छ वनवासी लक्ष्मण को परलोक भेज दूंगा। आप सबकी ये दशा देखकर स्पष्ट लक्षित हो रहा है कि आप सबको रावण ने बंदी बनाया हुआ है। अतः आप सब मुझे सुन रहे हैं? किंतु क्यों बनाया उसने आप सबको बंदी? समस्त देवगण ऊपर क्यों देख रहे हैं? ऊपर तो कुछ भी विशेष दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि मैं ऊपर उड़कर देखूं? ये कुंडली। अच्छा, तो रावण ने कुंडली बनाकर आप सब ग्रहों को अपनी इच्छा अनुसार यहां पर स्थिर कर रखा है। तो ये कुंडली रावण की है? तब तो अवश्य ही ये मेघनाथ की कुंडली होगी। रावण ने मेघनाथ के अनुकूल कुंडली बनाकर आप नवग्रहों को स्थिर किया है, जिससे कि वो अजय बना रहे।
चिंता मत करिए, मैं अभी आप सबको मुक्त करता हूँ। यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हनुमान के होते हुए आपको कोई बंदी नहीं बना सकता। आइए परमपिता बृहस्पति, ये क्या मेरा हाथ आपको स्पर्श भी नहीं कर सका? सूर्यदेव, आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? आश्चर्य, मैं आप में से किसी को भी पकड़ क्यों नहीं पा रहा हूं? अब कैसे बताएं हनुमान को कि जब तक हम रावण की मायावी सिद्धियों में बंदी हैं, तब तक न तो हिल सकते हैं और ना ही कोई हमें हिला सकता है। मैं ये अन्याय नहीं देख सकता। हमारी इस स्थिति में बने रहने के कारण मेघनाथ जिससे भी युद्ध करेगा उसके लिए घातक सिद्ध होगा। अजय हो गया है मेघनाथ। महाराज विभीषण, देखा द्रोही काका, आप भी नहीं बच पाएंगे इससे। मैं आ रहा हूं विभीषण जी। मेघनाथ लक्ष्मण और विभीषण के जीवन के लिए संकट बने उससे पूर्व हनुमान हमें मुक्त कर सके तो उचित होगा, अन्यथा बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि शीघ्र नवग्रहों को मुक्त करके कुंडली में ग्रहों की दशा परिवर्तित नहीं कर पाया तो मेघनाथ लक्ष्मण भैया और विभीषण जी के लिए ही नहीं प्रभु श्री राम के लिए भी बहुत बड़ा संकट बन जाएगा। चिंतित हो रहे होंगे मेरे प्रभु। प्रभु, आप इतने चिंतित क्यों हैं? 8 पहर से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। मेघनाथ को समाप्त करके लक्ष्मण एवं महाराज विभीषण को हनुमान के साथ अब तक लौट आना चाहिए था। मेघनाथ अनेक मायावी शक्तियों का स्वामी है, कहीं उस दुष्ट ने उन तीनों को अपने माया युद्ध में तो नहीं उलझा लिया? हनुमान है उनके साथ रक्षा के लिए। काका श्री, आज इस वनवासी के साथ साथ आप भी अपने काल से भेंट करने के लिए तैयार हो जाइए। तुम किसी भी अस्त्र से वार कर लो मेघनाथ, अंततः विजय हमारी ही होगी। हे नवग्रहों, भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण के प्राण संकट में हैं। मेघनाथ से उनकी रक्षा के लिए आपकी मुक्ति अति आवश्यक है। नवग्रहों, मुझे उसका कोई उपाय सुझाइए। समस्त नवग्रहों की दृष्टि का उस दिशा में केंद्रित होना अवश्य मेरे लिए इनका कोई संकेत है।
मुझे उधर जाना चाहिए। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधिम् पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। मायावी मेघनाद अवश्य अपने पूर्ण सामर्थ्य से भ्राता लक्ष्मण और महाराज विभीषण को आहत करने का प्रयत्न कर रहा होगा। इसके पूर्व की कोई अनर्थ हो, मुझे शीघ्र ही इस कार्य को संपन्न कर वहां लौटना चाहिए। रावण की पूजा पूर्ण होने से पूर्व यदि हनुमान अपने कार्य में सफल नहीं हुए तो अनर्थ हो जाएगा। कुशल योद्धा और व्यक्ति वही होता है जो परिस्थिति के अनुसार बुद्धि का प्रयोग कर समस्या का समाधान कर सके।